इन परमाणुओं में दोहरा बंध होता है और इन्हें अल्कीन कहते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन का दोहरा बंध होता है। जिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के तिहरे बंध होते हैं उन्हें अल्काइन कहते हैं। सर्वसामान्य ज्ञात अल्काइन इथाइन है जिसका अणुसूत्र C2H2 है। आइए इथाइन का संरचनात्मक सूत्र और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाएं। हमारे पास एक कार्बन कार्बन का एक हरा बंध है और कार्बन हाइड्रोजन के दो बंध हैं। अतः हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाएगा। अब हर कार्बन की इर्द गिर्द चार इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार साझा करेगा कि उससे तिहरा बंध बन जाए। अब इस तिहरे बंध के कारण अष्टक की पूर्ति हुई है। इस प्रकार अल्काइन में कार्बन कार्बन का तिहरा बंध होता है। हमने अल्केन देखे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिर्फ एक ही बंध होते हैं। अलग अलग यौगिकों के आइसोमर ढूंढने के लिए आइए आणविक सूत्र C4H10 वाले यौगिक की संरचना क्या हो सकती है इसके बारे में विचार करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हम ब्यूटेन अणु की चार कार्बन सीधी रेखा में है और हाइड्रोजन बंध इस प्रकार रखे गए हैं कि उसके संयोजक की पूर्ति हुई है। याद रखिए कार्बन श्रृंखला बनाने का एक और भी तरीका है। सभी कार्बन को सीधी रेखा में रखने की अपेक्षा हम तीन कार्बन को एक दूसरे के पास रखेंगे जिससे एक कार्बन मध्य में स्थित कार्बन के साथ बंध बना पाएगा। इसे शाखित श्रृंखला कहते हैं। पहले पढ़ी श्रृंखला को सरल श्रृंखला कहते हैं। ब्यूटेन के इन दो परमाणुओं के अणुसूत्र समान है पर संरचनात्मक सूत्र अलग है। इन्हें आइसोमर यौगिक कहेंगे जिनका सूत्र C4H10 रहेगा। ऐसी घटना जिसमें यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र अलग होते हैं पर अणुसूत्र एक ही होते हैं उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। कार्बन यौगिक अधिक होने के कारण कार्बन यौगिकों में प्राप्त होने वाली यह समावयवता है। हमने अभी तक उन्हीं परमाणुओं के बारे में जाना जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है पर याद रखें कि इसके अलावा भी अन्य यौगिक है जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इस सारे तत्वों को हेटेरो एटम कहा जाता है। जब भी हेटेरो एटम की कार्बन और हाइड्रोजन की विशिष्ट व्यवस्था होती है तब वह विशिष्ट प्रकार के रासायनिक गुणधर्मों को निर्माण करती है। भले ही उसमें से एक, दो या तीन कार्बन क्यों ना हो, अगर एक विशिष्ट व्यवस्था के कारण वे एक विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म का निर्वहन करेंगे, उसमें ये एक विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म कुछ क्रियात्मक समूहों के उपस्थिति के कारण आते हैं। आपने भी अवश्य देखा होगा जैसे OH का संरचनात्मक सूत्र से एक क्रियात्मक समूह की निर्मिति होती है जिसे अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल्स मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ये एक विशिष्ट पद्धति से प्रतिक्रिया करते हैं।